हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारी K2024 के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप फॉर्म क्लोजर पे जाके K2024 लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ऑप्शंस आप देख लीजिए। यही चीज मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है K2024 को लेकर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर फिलिंग एन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर डेट दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर K2024। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन द थर्ड ईयर और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस आर्किटेक्चर ह्यूमैनिटीज आर एलिजिबल टू अपियर K2024। मतलब जो स्टूडेंट्स बीटेक थर्ड ईयर में, या मान लीजिए आप कोई कोर्स, आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो और उसके आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, या आप बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसके यहाँ पे थर्ड ईयर में हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दूसरा, कैंडिडेट हु पजेस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी सच प्रोफेशनल साइंटिस्ट मस्ट एंश्योर दैट दोज एग्जामिनेशन आर अप्रूव्ड बाय, इनसे वो एग्जाम हमारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ है आपके सामने। अब यहाँ पे आप देखिए, नोट आप पढ़ लीजिए। कैंडिडेट परस्यूइंग एनी हायर डिग्री, है ना, तो यहाँ पे विल बी अलाउड टू अपियर, इतना मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको K2024 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डिग्री प्रोग्राम क्वालिफाइड डिग्री एग्जामिनेशन, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे आप बी बी टेक और बी फार्मर है तो करेंटली इन थर्ड ईयर, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपको पूरे के पूरे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो इसको देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।